वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष बाला साहेब एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने ओबीसी को प्रमोशन में आरक्षण देने की बात कही थी। आरक्षण मामले पर एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि ओबीसी समाज को पदोन्नति में आरक्षण मिलना चाहिए, ये उनकी मांग है। एससी और एसटी के छात्रों की स्कॉलरशिप दोगुनी की जाए। राज्य के कर्मचारियों में भी जितने भी ए वर्ग के अफसर हैं सभी बीजेपी और आरएसएस के साथ हो गए हैं, इन सब में पार्टी पॉलिटिक्स चल रही है। वहीं ईडी जांच के बारे में एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर का कहना है कि ये सरकार की विपक्षी पार्टियों को खत्म करने की साजिश है। जो जांच चल रही है उसमें राजनीति साफ झलक रही है। उन्होंने कहा कि वो मतदाताओं से आह्वान करना चाहते हैं कि वे विपक्ष को जिंदा रखें। विपक्षी पार्टियों के नेताओं को डराया जा रहा है, उद्धव ठाकरे को भी चुप करा दिया गया है, जिससे भाजपा सरकार के इरादे स्पष्ट हो रहे हैं।